मेरे राम मेरे राम। सोथान तेरा
हाथ पैर जित तुत ध्याय निर्मल होवे निर्मल हो Let's go.
दास अवतार राजे होए मरते महादेव अवधूता Hallelujah.
साथ संग खोजत खोजत भयो साथ संग तिन शरणाई पाया तिन शरणाई पाया हो सो था भले मेरे राव मेरे राम हाँ सोथान पहल में आया सोथान भलने आया बिसरे नाही जित तू कब हूँ सोथान भलने आया बिसरे नाही जित तू कब हूँ सोथान तेरा के सोथान भलने आया सोथान तेरा के सोदर तेरा के सो करके हाँ सो थान भलने आया सो दर तेरा के हाँ सो करके हाँ जित मैं सर्व संभाले पहलने आया खोजत खोजत मैं फिरा पहलने आया पालने आया फरीदा गलिये चिकन दूर घर नाल प्यारे ने हो चला तापी जे कंबली पालने आया चला तापी जे कंबली रहा तुटे ने जो सीजो कंबली पालने आया बिजो सीजो कंबली जाए मिला पहलने आया
जाए मिला तिन्ना सज्जना तुटे नाही ने पलने आया खोजते मैं फिरा खोजत भाई बरागन सोदर तेरा पेहा खोजत भाई बरागन कूप भरियो जैसे दादरा जैसे दादरा कछ देश बदेश ना बूझ पलने आया कछ देश बदेश ना बूझ जित दारू वैसे कौन दर कछ देश बदेश ना बूझ जित दर वसे कौन दर कहिए दरा भीतर दरा दरम्यान दा वखवा दराड़ जित्थों लफज बनते हैं क्योंकि असी बाणी दी अल्फाज लफज भी समझने पहाड़ां विच दर्रे होंदे ने एक पहाड़ इधर एक इधर विचों रस्ता जाता है जदों कोई वखेमा पै जाए विच कोई त्रेड़ पै जाए तो असी आखने दराड़ पै गई दर्रा लफज तो बने मालिक मेरे ते देरे तेरे दरम्यान दर्रा पै गया है वखरेवा हो गया है इसलिए मैनू दर लभ नहीं रहा दर ते दर्रा दा लफज जोड़िया ने केडी शायरी काव्य रचना भी केडी महान है काव्य रचना दा मतलब ये होंदा है शब्द दावली चुन चुन के किथे की रखना है जित दर वसे कौन दर कहिया दर्रा भीतर दर कौन लहे किसने लबे हाँ सोता पालने आया दर्रा भीतर दर कौन लहे जिस दर कारण फेरा उदासी जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे हाँ भालन आया सो दर कोई आए कहे कूप भरे जैसे ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहया किछ आरा पार ना सूझे आर ते पार एक
ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰ ਸਾਜਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਸੋਭਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੇ ਮਲਨ ਭਾਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲੱਖੀ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਥੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬਰਾਗਣ ਚਰਨ ਪਿਆਸੀ ਦਰਸ ਬਰਾਗਣ ਵੇਖੋ ਥਾਨ ਸਵਾਏ ਬੜੇ ਥਾਂ ਦੇਖੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਕਵਾਰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਦਮ ਭਰ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਬੜੇ ਛਤਰ ਚੁਲਾਏ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰਾ ਸਵਾਲੀਆ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਖੋਜੋ ਬਣ ਥਾਨ ਜੰਗਲ ਵੀ ਢੂੰਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫਿਰਾ ਖੋਜੋ ਬਣ ਥਾਨ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਹੈ
ना तू लभदा है ना तेरा घर लभदा है। स्वामी रामानंद जी का एक शब्द है, उनके एक लाइन बड़ी खूबसूरत मैं कर्ज करा, गुरबाणी नू समझन पछाणन दा फायदा एक है जे असी गुरबाणी दी गल समझ के मन लईए, बड़ा जीवन सुखाला हो जाए, कर्म कांड सारा ही खत्म हो जाए। स्वामी रामानंद जी का एक शब्द है, उनके विच एक लफज ने, पूजन चाली ब्रह्म ठाए। मैं रब न पूजन वास्ते, उनकी पूजा करन वास्ते उनके घर वाल तुर पई। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, ब्रह्म दे टिकाने वाल। पर ब्रह्म दा टिकाना लभदियां लभदियां देखिया कि अगे जाके एक लाइन बड़ी खूबसूरत गई है, कहन लगे जै जाई है तै जल खान। जिथे जिथे भी गया उथे जा पानी की पूजा हो रही सी, जा पत्थरों की पूजा हो रही सी। रब आके किते सरोवरां ते नदियां दे पानी नू महान आख्या जा रहा सी, इहो सारे दुख काट दिंदा है, ते फिर रब की करदा है। जे इस पानी विच इशनान करन नाल ही सब कुछ मिलदा है, ते फिर रब दी की उंदा की फंक्शन है। कह लगे जे जाइए, मैं जिथे जिथे भी गया ते जल पखान, जल तो पाव पानी, सरोवर, गंगा, दरिया। पर मनुख भोला उसके पिछे, अज तो हालात सच्चाई है, अज तुम देख सकते हो इतों तक मनुख भुल गया है कि सरोवर का जा गंगा का जल गंगा जली आ के बोतलों में एक्सपोर्ट होने लग पे। लोगों को भी गंगा जली का पानी रे जल सवेरे जरूर छकना है, वो फिर एक्सपोर्ट करते होंगे, प्रसाद एक्सपोर्ट होंगे, सरोवर का जल एक्सपोर्ट होंगे। पर की कारण है असी गुरबाणी नहीं पढ़ रहे या समझ नहीं रहे। स्वामी रामानंद जी दी एक लाइन बिल्कुल खुलासा कर दी, कहिंदी मैं बड़ा परेशान हो गया, रब नूं खोजदा खोजदा उन्नू ढूंढदा ढूंढदा, पर जिथे भी गया उथे जां पानी दी पूजा हो रही सी, जां पखान दी पत्थर दी पूजा हो रही सी। जै जाइए तै जल पखान, जा जल या पखान, ते फिर मसला आ गया रब किथे रहिंदा है, रब किथे रहिंदा है। एक गल अपनी पहली लाइन विच कह गए, कह लगे पूजन चाली ब्रह्म ठाए। मैं ब्रह्म दी पूजा करन चली सां, पानी दी नहीं, पत्थरां दी नहीं। सतगुरु ने बाणी विच पाथर पूजे मोल ले मन अठ तीर लिया। कि भला ये सारियां गल्लां साडे मन अंदर विश्वास रूप बन रही ने, कि असी सुन सुना के पेखत चाखत सुत अंधा सुनियत सुनिए नाही। गुरबाणी अखी वेख के भी अखां बंद कर लैने,
सुन के भी कन्न बंद कर लेने पेखत चाखत कहिए तो अंधा सुनिए तो सुनिए नहीं ते जे भला गुरबाणी सुन के जीवन का हिस्सा बन जाए तो फिर ये गल तो बड़ी स्पष्ट है। पाथर पूजे बोल ले मन अठ तीर्थ जाए देखा देखी स्वंग धर देखा देखी फलाना तीर्थ चले तीर्थ यात्रा ते मैं भी चलना असी धरती नू वंड लिया इस धरती ते अखंड पाठ होने नाल महात्म ज्यादा है। अखंड पाठ का महात्म नहीं इस धरती का महात्म है। सतगुरु तो सारे भुलेखे दूर करते हैं। मनुख किन्ना सहज विच आ जाता है ना कोई समय जे इस समय ते उठ के नितनेम होइए। मैं रोजाना जीवन विच कई गल्लां देखियां ने मैं किसी का विरोध नहीं करता पर ऐसे स्थानां तो कन्ना नाल सुनिया कि जे इन्ने बजे उठ के नितनेम करो तो हीरे लाल जवाहरातां दे दान करन दा फल मिलदा है ते जे उस तो एक घंटा लेट हो जाओ तो फिर सोने जिन्ना रह जाता है दान सोने की कीमत जिन्ना जे होर एक घंटा लेट हो जाओ तो चांदी जे होर लेट हो जाओ तो फिर निकम्मा लोहा ही बन जाता है नितनेम भी लोहा हो जाता है टाइम ना केडी अजीब गल है। गुरु आख रहा जे वेला वक्त विचारीए तो कित वेला भगत हो सा वेला को कौन है जित प्रभ को पाई ते जुआ मिलता सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गुसाई। गुरु ते सारे भरम दूर करना चाहता है तेरे जीवन विच सहज ले आना चाहता है तेरा जीवन सुखाला करना चाहता है। तू आप अपने दुआले भरमां दे जाल बुन रहा है ते उस जाल विच मकड़ी दे अपने फसे जान फस जान दे इतिहास बनो उस जाल विच आप ही फस रहे हैं। जाल तेरे लिए ब्राह्मणिज्म ने बनाया तू आप फस रहे हैं। गुरु ने कढ़िया सी ते आहे लफज इसे लिए आख दिते साकर पूजे मोल ले मन अठ तीर्थ जाए देखा देखी स्वांग दार देखा देखी हो हुण पुछिए जी रब दा घर तुसी पालन आए हो तो कित्थे है किन्ना सौखा है रब दा घर कित्थे है इंदा जवाब गुरु ने चक होके दिंदा है। सतगुरु कहंदे ने पूजन चाली ब्रह्म था जवाब सो ब्रह्म बतायो सो ब्रह्म बतायो मैं रब दे घर ढूंढ के रब नू पूजन चली सां ते गुरु ने आख्या रामानंद कित्थे जा रहे हैं ब्रह्म दे घर विच ब्रह्म दी पूजा करनी है उंदे घर जा रहे हैं उंदा घर कित्थे किसे मंदिर किसे ठाकर द्वारे किसे गुरुद्वारे किसे मस्जिद विच गुरबाणी दी आवाज दित्ती कह लगे अल्लो एक मस्जिद बसता है तो पलिया विश्वास की गल है। गुरु आखदा है अल्लाह एक मसीत बसत है अवर मुल्क किस तेरा है बाकी धरती किंदी है जी उन्हें अपने लिए केवल मसीत ही बनाई है वसन लिए ते बाकी संसार का टिकाणा किंदा है अल्लाह एक मसीत बसता है
अवर मुल्क किस केरा हिंदू मूर्त नाम निवासी दो मैं तत ना हेरा। जिहड़ी तत दी गल सी ओ दोहां ने नहीं पछाणी। गुरु आख रहा सी जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा मोड़े है, ते जवाब भी दे रहा सी ओ घर दस भी रहा सी वसी रब है आलिए। किन्ना आसान है ते जाण दी लोड़ ही ना पवे, वसी रब है आलिए। जंगल क्या ढूंढे इत्थे बस नहीं, ऐस लाइन विच भी यह गल आखी। कह लगे पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए। उन्हें आख्या तेरे अंदर है सब कुछ, घर में बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम भुलाई। सदगुरु ने बड़े स्पष्ट लफ्जा में एक गल आखी, कह लगे अगम रूप का उठान ही पालना है ना, वो ठिकाना पालना है जिथे रब रहिंदा है। ते गुरबाणी एक आवाज दे रही है, कहंदी अगम रूप का मन मैं थाना, अगम रूप का मन मैं थाना, गुरु प्रसाद विरले जाना। इसे गुरु दी रहमत हो जाए कोई पछाण लाए भी रब मेरे अंदर रहंदा, नहीं तो रोज मनुख थानी पालता फिरदा है, ना थान मिल रहा है ना स्थानियां मिल रहा है। ते जिथो जिन्हों थान समझ के स्थानियां नू रब समझ के उन्दे हुक्म मन रहा है ना, उन्दे संबंध विच गुरु आख रहा है तीर्थ जाओ ताहों करते, तीर्थ जाओ ताहों करते, पंडित पूछो तो माया रखते, सो स्थान बतावो मीता हो सो थान पालने आया, सो स्थान बतावो मीता जाके हर हर कीर्तन नीता, मेरे राम रब दा धान थान किते दूर नहीं, तू आप ही दूर हो गया है। दूर तो मैं आया, वो दूर नहीं।
ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ, ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਧੰਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਈਡੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਜਮਾਨ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਰਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਖੂਬ ਪਤੰਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਿਸੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਛਾਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।